सपा विधायक इरफान सोलंकी को पुलिस ने कानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया है। वहां महिला का घर फूंकने के केस में शुक्रवार से एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। इरफान को सुबह महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। मामले में सपा विधायक ने के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य आरोपी मोहम्मद शरीफ को भी कोर्ट में पेश किया गया। बीते दिनों कोर्ट में इरफान रिजवान और मोहम्मद शरीफ की ओर से दाखिल आरोप मुक्ति की अर्जी को खारिज कर दिया था। बता दें, इरफान के पेशी को देखते हुए कानपुर कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएससी QRT टीमों के अलावा पुलिस अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस बार 50 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।